सबसे पहली सलाह अब इस समय ये है कि आप हिंदू को पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दें। दरअसल आपने शुरू किया ही नहीं था, लेकिन अगर किया होता तो अभी आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको तनाव मत लीजिए, है ना। इस पर गंगा सिंह का जब सेमिनार हुआ तो मैंने उस सेमिनार की शुरुआत में कहा भी था कि उस परंपरा के आदमी जो हिंदू नहीं पढ़ते हैं, अब हिंदू पढ़ना कोई मतलब है थोड़ा ना। हिंदू के अच्छे आर्टिकल्स का, एक्सप्रेस के, मिंट के अच्छे आर्टिकल्स का अनुवाद आपको हमारी वेबसाइट पे, कई वेबसाइट से मिल जाता है, क्यों आप उतनी मेहनत करना चाह रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद मुझे ये कथन लगता है कि हिंदू इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, जबकि हिंदू पढ़ने की शर्त है कि अंग्रेजी अच्छी थी। अगर आप हिंदू पढ़ते हैं अंग्रेजी अच्छी करने के लिए, तो आप कैसी अंग्रेजी करना चाह रहे हैं, मैं इससे डर जाता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी हो तब हिंदू समझ में आना शुरू होता है। और जब कोई मुझे कहता है कि अंग्रेजी अच्छी करने के लिए हिंदू पढ़ रहा हूँ, अच्छा अंग्रेजी अच्छी करने के लिए पहले क्या पढ़ना चाहिए? अंग्रेजी में चंपक पढ़ने चाहिए, अंग्रेजी में लोटपोट पढ़ने चाहिए, ऐसी जो पत्रिकाएँ आती हैं अंग्रेजी में वो सब पढ़ो, चंदा मामा टाइप कहानियाँ पढ़ो अंग्रेजी में, अंग्रेजी उससे ठीक होगी। हिंदू तो चरम स्तर है, उसका प्रयोग तो बाद में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में सलाह दे रहा हूँ, हिंदू ना पढ़ें। हिंदू ना पढ़े के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। वैसे आप पढ़ते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। कौन सा संस्करण? राष्ट्रीय। क्या पढ़ते हैं उसमें? मतलब मेन खबरें पढ़ते होंगे, एक तो पहला पेज जो मेन खबरें आती हैं, दिल्ली में ऑड इवन लागू, ऑड इवन खारिज, ये सब एक तो ये पढ़ते होंगे, और संपादकीय पढ़ लेते होंगे। संपादकीय आपका प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा नहीं, तो आप संपादकीय पढ़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो फ्रंट पेज की रोचक खबरें हैं वो प्रीलिम्स में आती रही हैं, और बाद में एक दो रंगीन पृष्ठ होते हैं जो खाली समय में आप देखते होंगे वो पढ़ने वाले नहीं होते, देखने वाले होते हैं बेसिकली, वो ही प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा में एक भी अखबार ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता हो, और जब हिंदी में एक भी अखबार ऐसा नहीं है तो उसमें टाइम क्यों खराब करते हैं? छोड़िए, क्या जरूरत अखबार पढ़ने की।